हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक कंपनी के बारे में जिसके बारे में आई थिंक एवरीबडी इज़ रियली बुलिश अबाउट द स्टॉक, और जिसका आप देख सकते हैं मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है आपके सामने, विच इज़ अ 5 ईयर चार्ट। अगर हम देखते हैं 5 साल में इसने हमें कितना वेल्थ क्रिएट करके दिया है, तो आप ये देख सकते हैं 5 साल में भी इसने अब हमें 26% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं 1 साल के अंदर, तो 1 साल में इसने हमें कुछ 9% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें, शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें, तो आई थिंक दिस इज़ हाईली अंडर परफॉर्मिंग अंडर परफॉर्मर एज़ फार एज़ द स्टॉक प्राइस इज़ कंसर्न। YTD भी अगर देखते हैं तो कुछ 15.5% का नेगेटिव रिटर्न इसने हमें दिया है। इसका नाम आप देख सकते हैं, अशोक लीलैंड है। अशोक लीलैंड इज़ एन इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी, और ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है जो कि कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में काफ़ी जाना माना नाम है। कंपनी को आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन देयर बसेस। अगर कुछ और नहीं भी जानते हैं तो इस कंपनी के बसेस में तो आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव ट्रैवल्ड। अगर कंपनी का इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा है 5 साल में, तो इसको हमें पोर्टफोलियो में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। मैं इसके थोड़े से आपको ये दिखाता हूँ कि कैसा इसका टोटल फंडामेंटल्स हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, फंडामेंटल बेसिस पर मार्केट कैप कुछ 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और कुछ 68.40 रुपीज़ पे आज बंद हुआ है। आज भी ये नीचे आया है, और बुक वैल्यू इसकी 26 है, जबकि ये ऑलमोस्ट ढाई ढाई टाइम्स 2.58 टाइम्स बुक वैल्यू इसका मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 2.88 टाइम्स, जो कि ज़्यादा है। ROCE पुअर है काफ़ी, ROE भी बहुत पुअर है। सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा पुअर है लास्ट 3 ईयर्स में। डिविडेंड यील्ड 0.72 ओके है, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड। इनफैक्ट आई वुड कंसिडर अ बैड डिविडेंड हिस्ट्री इफ़ इन केस समबडी गिव्स यू लेस देन 1% ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड भी नहीं, काफ़ी कम है, 52 वीक हाई जो है 87.50 रुपीज़ है, और लो अगर देखेंगे 33.70 रुपीज़ है इसका लो है। अभी हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका -115% प्रॉफिट ग्रोथ इसने दिखाया है। तो मतलब प्रॉफिट तो दिखा ही नहीं रहा है, इनफैक्ट लॉसेस दिखा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। सेल्स नंबर अगर आप देखते हैं तो क्वार्टरली सेल्स जो है आपका 1486 करोड़ का क्वार्टरली सेल्स है, जो कि -77% रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 119 करोड़ रहा है। जून क्वार्टर में लॉकडाउन का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, एंड आई थिंक आई विल ऑल्सो गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि इसमें इनको भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अगर आप देखते हैं, इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप MHCV सेगमेंट को ही देखते हैं, इस इंडस्ट्री को देखते हैं, तो ये पूरा डाउन टर्न में चल रहा है सिंस नवंबर 2018, एंड FY20 हैज़ बीन द वर्स्ट ईयर इन द पास्ट 20 ईयर्स। तो 20 साल में इतना बुरा साल कमर्शियल व्हीकल में कभी नहीं देखा गया है। MHCV एज ए सेगमेंट इन पर्टिकुलर जो है वो हमें सबड्यूड ही रहा है ड्यूरिंग लास्ट कपल ऑफ मंथ्स भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर स्टिल म्यूटेड। अनलॉक फेज में भी अगर आप देखते हैं तो भी फ्रेट मूवमेंट भी अगर आप देखेंगे तो वेल बिलो प्रीवियस लेवल्स, विच फ्लीट यूटिलाइजेशन अगर देखते हैं 50-55% होता है, उसमें भी ट्रक की डिमांड को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। आपको पता है लॉकडाउन हो गया है, अनलॉक भी हो गया है, बट स्कूल्स अभी भी नहीं खुले हैं, ऑफिसेज भी अभी नहीं खुले हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना अभी लोगों ने शुरू नहीं किया है, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इनकी सेल्स नंबर पे पड़ा है। और ये जो रिवाइवल होने के चांसेस लग रहे हैं वो FY21 एंड में लग रहे हैं, मुझे उससे पहले कोई रिवाइवल का साइन नहीं दिख रहा है। अब जो हाइलाइट्स हम लोग बोल सकते हैं जो कि इनके फेवर में आप देख सकते हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट 30-35% इन द रीसेंट मंथ्स। ग्रॉस मार्जिन्स वर पॉजिटिवली इम्पैक्टेड इन Q1 FY21 बाय हायर शेयर ऑफ स्पेयर्स वैल्यू रेवेन्यू। स्पेयर्स का रेवेन्यू जो आया है वो इनका थोड़ा सा बेटर आया है, इसी वजह से इनका
जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो थोड़ा पॉजिटिव रहे हैं। अब हम अगर और एक चीज़ देखते हैं, इनका जो मॉड्यूलर प्रोग्राम है AVTR है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है उनको कस्टमर से, फ्लीट ओनर से एंड ड्राइवर से पर्टिकुलरली, बिकॉज इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी है। एंड अशोक लेलैंड हैज़ ऑलरेडी मैन्युफैक्चर 2000 यूनिट्स टिल डेट, तो एक ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं और नियर टर्म डिमांड की बात करते हैं, तो वो बहुत अनसर्टेन है इस टाइम पे, दैट बिकॉज चैलेंजेस काफ़ी हैं। और FY22 में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और लो बेस का इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं FY21 में अगर जो भी अभी नंबर शो कर रहे हैं वो काफ़ी लो बेस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू FY22, तो FY22 में उसको लो बेस का डेफिनेटली इम्पैक्ट मिलेगा और पॉजिटिव सिनेरियो लगेगा जब लोग FY22 में जाएंगे, तो क्योंकि वो कंपैरिजन करेंगे 119 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, वो कंपैरिजन करेंगे 8% का ऑपरेटिंग मार्जिन से, वो कंपैरिजन करेंगे 1486 के सेल्स नंबर से। और आई एम श्योर दैट द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर हम इसका जो एबिटडा देखेंगे वो अगर ये बढ़ना शुरू होगा तो डेफिनेटली इनका एबिटडा बढ़ेगा, मार्जिन एक्सपेंशन भी होंगे और जो मार्केट शेयर है वो भी गेन होगा, जो कि आज की तारीख में डोमेस्टिक मार्केट में MHCV का इनको 32% का मार्केट शेयर है इन FY20, और जो कि ग्रो होने की संभावना है 33-34%। सो मार्केट शेयर भी कैप्चर करेंगे और लो बेस का इम्पैक्ट भी इनको दिखेगा जो नेक्स्ट ईयर में दिखेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव्स मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पॉजिटिव्स भी हैं, बट ओवरऑल अगर आप इनका देखेंगे तो ओवरऑल बहुत ही नेगेटिव है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 527 करोड़ का इनफैक्ट लॉस दे दिया है इसने, और नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो वो भी 409 करोड़ का लॉस इन्होंने शो किया है जून क्वार्टर में। अब हम इसका बैलेंस शीट पे बोरोइंग्स देखते हैं, तो बोरोइंग्स भी इनका बढ़ता ही जा रहा है। 15,791 करोड़ था जो कि बढ़ के मार्च 2019 में 19,000 करोड़ हुआ, और अभी 22,000-22,500 करोड़ का इनके ऊपर डेट है। अब हम कैश फ्लो की बात करते हैं, तो मार्च 2020 में द गुड थिंग इज़ कैश फ्लो 383 करोड़ का इनको मिला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो कि लास्ट ईयर में माइनस जो कि लॉस था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और नेट कैश फ्लो जो है 421 करोड़ का नेट कैश फ्लो इनको मिल रहा है। तो सब कुछ करने के बाद इनके हाथ में 421 करोड़ का जो पैसा है वो इनके हाथ में आ रहा है। ROCE जो है आप देखेंगे 17% था, वो घट के 9% रह गया जो कि मार्च 2020 में था, पूरे साल का अगर देखते हैं तो। डेटर डेज डेफिनेटली इन्होंने इम्प्रूव किए हैं, 30 से 25 हो गए हैं। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 51.29 था 2017 में, जो कि अभी आज की तारीख में 51.54% इनका प्रमोटर की होल्डिंग है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस प्रमोटर होल्डिंग इज़ इनकी प्लेज्ड हैं कुछ 11% के आसपास, तो प्रमोटर होल्डिंग 11% प्लेज्ड हैं। शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास 51.5 है, 51.6%। और इसमें अगर आप देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़, तो जैसे इनका मार्च 2020 में प्लेज था प्रमोटर का 9.3%, वो जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट 11% हो गया है, 10.9% इनका प्लेज है, तो प्लेज परसेंटेज बढ़ती जा रही है इनकी। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है फॉर दिस कंपनी। एंड अगर आप इसमें DII's की होल्डिंग देखते हैं, तो DII's की भी अपनी होल्डिंग इन्होंने मार्च 2020 से जून 2020 क्वार्टर में 9.8 से 8.6% कर दी है, तो DII's भी निकल रहे हैं। FIS का अगर आप फ्लो देखेंगे तो FIS ने दिसंबर में 19.2 था, मार्च 2020 में 16.9 और अभी 15.6, तो कंसिस्टेंटली DII's भी निकल रहे हैं और FIS भी इस शेयर से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, कंपनी ने पेशेंस टेस्ट किया है
और रिवाइवल के साइन डेफिनेटली 2021 में 2022 में डेफिनेटली रिवाइवल होना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और स्कूल्स वगैरह सब कुछ ओपन हो जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर तक, और वो पॉजिटिव साइन होगा. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ समबडी आस्क मी वेदर आई विल पुट माई मनी इन दिस स्टॉक, आई विल नॉट. राइट, लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल चार्ट एज वेल. अभी इसने बहुत ज़बरदस्त रनअप दिखाया है. अगर आप देखते हैं 48, 49, 50 रुपीज़ से लेके ये कुछ 72 रुपीज़ तक चला गया था. कितने दिन में? 5-6 अगस्त के आसपास, 10 अगस्त के आसपास इसने 50 रुपीज़ के आसपास था. 10 से लेके 20-22 अगस्त को 72 रुपये का रेट हो गया. तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है. जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा होगा वो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, और इसी वजह से आप 2 दिन से देख रहे हैं इसमें रेड कैंडल बनी हुई है. इसके अलावा, रेड कैंडल के अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे तो इसमें एक डार्क क्लाउड कवर करके एक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, वो भी डेवलप हो गया है. और आप देखेंगे इसको जब तक ये 72 रुपीज़ नहीं निकालेगा कन्विंसिंगली, 72.55, तब तक ये बेयरिश मोड में रहेगा अशोक लेलैंड का स्टॉक. इसमें अगर आप देखेंगे इसमें जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है कुछ 61 रुपीज़ के आसपास. तो ये 68 रुपीज़ से नीचे आ सकता है और 61 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है. तो मेरी अगर कोई मेरे को पूछेगा कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, आई वुड एब्सोल्युटली अवॉइड दिस स्टॉक. आई वुड नॉट लाइक टू पुट माई मनी इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक, जहाँ पे कि बहुत ही लंबा जेस्टेशन पीरियड होगा. एंड अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पे RSI भी देखेंगे तो 75 आ रहा है, जो कि ओवर बॉट सिचुएशन में दिखा रहा है इस स्टॉक को. तो इसमें मेरे ख्याल से आज की तारीख में किसी को पैसा डालना है तो डेफिनेटली अवॉइड दिस स्टॉक. इसको नीचे आने दीजिए, उसके बाद इसको डेफिनेटली फिर से असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे. एंड इन केस उस टाइम पे लगेगा कि इसमें पैसा डाल सकते हैं, देन डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू. इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस स्टॉक और एनी अदर स्टॉक, डू कमेंट मी एंड लेट मी नो वॉट आर योर क्वेरीज, एंड आई विल ट्राई एंड सॉर्ट दोज क्वेरीज आउट. इन केस यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल. थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.